काम भूषण कला के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मानियों के माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैंने इससे पहले चौधरी नफे सिंह राठी जी सुनैना बोल रहे थे, प्रदेश में देश में किस किस्म के हालात है। जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी, हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की सरकार बनने के बाद हमारे सामने क्या क्या कठिनाइयां आई, इन सब बातों का जिक्र हुआ। अगर मैं इन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज बीजेपी की सरकार को बड़े 9 साल हो गए। देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ बड़ा वायदा किया था, इन माताओं बहनों से भी एक वायदा किया था। किसान के साथ वायदे में कहा था कि अगर मेरी सरकार दोबारा बन गई तो 2022 में किसान की फसल की आमदन दुगुनी कर दूंगा। 2022 तो बीत गया, तुम्हारी फसल की आमदन दोगुना हुई इतनी हुई, फसल के दाम बढ़ गए घट गए पहले से, फसल के दाम पहले से कम हो गए, खर्च दुगुना हो गया, आमदन कम होगी, खर्च बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगी होगी, बीज महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी हो गई, रसोई का गैस का दाम भी बहुत बढ़ गया। मोदी माताओं भेड़ा तो गैस को सिलेंडर गैस को चूलो मुफ्त न दूंगा, गैस को सिलेंडर मुफ्त आने पूछो गैस को सिलेंडर मुफ्त आ रहा है पीछे ला दे। गैस को सिलेंडर महंगा हो गया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी। आज पढ़े लिखे नौजवान बच्चों में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ गयो, कानून व्यवस्था खत्म हो गई, अपराध बढ़ गया, नशों बढ़ गया। अब तो जिसका नया चुनेड़ा सरपंच है वह भी सरकार के खिलाफ लामबंद होगी, लड़ाई लड़े सरपंच ने कहो तो हमें अधिकार ज्यादा मिलेगा, ग्रांट ज्यादा देवगा। अब ग्रांट भी को नहीं, सरपंच का अधिकार के ऊपर भी हम कुछ लगा दिए, भी पर पाबंदी लगा दी, 2 लाख से ज्यादा सरपंच खर्च कौन कर सकते। सरपंच अधिकार मांगने खातर चंडीगढ़ गया, बाकी बात करने की बजाय लाठीचार्ज करो, मुकदमा बनाया और सरपंच ने चोर बेईमान कह के सरपंच को अपमान कर पूर्ण है। सरपंच कौन हल्का सरपंच बड़ा है, बीजेपी को है अधिकार नहीं दिए होके चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ग्रांट मिली कौन मिली सरपंच ने, आज आज सरपंच आ जाए। चंडीगढ़ को नहीं होके ग्रांट लेना भी बता दीजिए कि चंडीगढ़ में ग्रांट औरों तो मिलनी होगा। आज किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, आज मजदूर भी दुखी है, हर कोई सरकार ने बदलना चाहे। अब परिवर्तन यात्रा ही जाकर शुरू करी कि प्रदेश के लोगों ने सरकार की लूट के बारे में बताया जाओ। जब तो बीजेपी जेजेपी की सरकार बनी है,
अनेक घोटाला हुए, शराब घोटालो हो, धान घोटालो हो, रजिस्ट्री घोटालो हो, कहीं माफिया पैदा कर दिया, भू माफिया खड़ा कर दिया, सरकारी दवाइया फीस में घोटालो करो गए, आज किसान की सबसे भी फसल में भी घोटालो हो। हर तरफ लगातार प्रदेश में लूट है। आज मैं सारे बीच में 300 किलोमीटर ज्यादा को उसको प्रत्याश कर दिया है, साढ़े 1100 गांव के लोगों ने मिल गया है। आज गांव की हालत किसी है, पीने को पानी नहीं है, स्कूल में मास्क नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कारण के खातिर खेलने में कोई मैदान नहीं है, लड़का सारी टूटी पड़ी है। गांव के विकास के खातिर सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं है। आज तो सरकार की किस्म का निर्णय ले कि आने वाले समय में छात्र सामने और दिक्कत आ जाए। मुख्यमंत्री का भी एक फैसला फिर है कि आज के बाद में कोई आदमी खाद खरीदने जाओगे तो उन्हें पोर्टल पर लिख के देना पड़ेगा कि खाद क्या खतर की है, कि मुख्यमंत्री नोहित ठाकुर ने खाद क्या खतर की है किसानों की, लिख के बताओ पहले भी खाद यूरिया की है, डीएपी की है, किसान की है, किशोरी की है। इस किस्म का रोज फैसला लेके लोगों ने परेशान करे। अब सरकार बनने के बाद में बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बजाय बुजुर्गों ने पेंशन काटनी शुरू कर दी, धारगा में भी पेंशन कटी, कौन कटी, जो भाई सरपंच कटी है कौन कटी पेंशन, पेंशन कटी है, पेंशन का साधे साधे पीला कार्ड भी कटे, पीला कार्ड कट गया, पेंशन कट गई, और 1100 रुपया फैसल आज कह के भी ले रहे हैं कि जिनका आधार कार्ड है वो पैन कार्ड का साधे लिंक कराओ, और लिंक कार्ड जाओ तो 1100 रुपया लगा। सरकार पूछे 1100 के बात का ले, तो फिर कोई जवाब नहीं, फिर कोई उत्तर नहीं है, फिर आज ही बता सकते हैं कि 1100 के बदले मान्य के मिडल आदमी दूर है। ये करके सबकी एक इच्छा है कि परिवर्तन कर जाओ, उत्तर का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कौन करना चाह रहे हैं, करना चाहो तो एक रात खड़ा करो, करना चाहो रखना कि सरपंच को जी बंद करा जो भी कर मान के चलो, सच्चा दिन वोट पड़े लो भी धन दिखा के जाए वो भी वही धन छो अजय ने तसली कोई नहीं हुई है, इन्हें ग्रांट की उम्मीद है, कभी कोई गलत लगा रहे थे तो ईश्वर फसल और जाने की फिक्र नहीं देती।